मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ, मैग्नो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। ठीक है, आज के तो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेरित धारा एवं क्या है प्रेरित आवेश या इंड्यूस्ड करंट एंड क्या है इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो इसका क्या है वो डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ, फैराडे के नियम से एन फेरो वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान, फैराडे के नियम से एन फेरो वाली फैराडे के नियम से एन फेरो वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, पहली लाइन हमारी क्या है फैराडे के नियम से एन फेरो वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी एप्सिलॉन बराबर क्या होता है माइनस एन डी थाई पी अपॉन डी टी। मतलब ये क्या है फैराडे के नियम से एन फेरो वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा यानी एप्सिलॉन बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन के डी टी। ठीक है, यदि क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र यदि चुंबकीय क्षेत्र बी व क्षेत्रफल एस मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो बी हो गया और क्षेत्रफल एस दोनों की डायरेक्शन सेम हो यानी दोनों की दिशा सेम हो समान हो दोनों की डायरेक्शन समान हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अर्थात क्या चुंबकीय फ्लक्स का मान तो चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से यानी बी डॉट एस आ गया। क्यों? क्योंकि बी और एस के मध्य कोण थीटा है उसका मान क्या है 0 यानी कोस 0 का मान क्या होता है 1 यानी फाई बी इज इक्वल टू क्या है बी एस। ठीक है, ये फाई बी का मान है ना बी एस ये इक्वेशन फर्स्ट इनपुट कर देंगे तो पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एन डी फाई बी का रखना बी एस अपॉन क्या डी टी। तो हम क्या करेंगे अगर पहले तो बी को नियत मान लेंगे वह एस परिवर्तित होगा फिर एस को नियत मानेंगे बी परिवर्तित होगा। यदि बी नियत है यानी बी कॉन्स्टेंट है नियत है तो वह एस परिवर्तित होगा अगर बी को कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो एस परिवर्तित होगा तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन बी बी कॉन्स्टेंट मान लिया बाहर निकाल लिया डी एस अपॉन डी टी ये दो नंबर आ गया। और अब की बात क्या करेंगे एस को तो क्या है कॉन्स्टेंट मानेंगे और बी क्या है परिवर्तित होगा यदि एस क्या है नियत है यानी कॉन्स्टेंट है तो बी क्या है परिवर्तित होगा बी परिवर्तित होगा यहां पे क्या एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन एस डी बी अपॉन डी टी इक्वेशन आ गई 3। ठीक है, पहले तो बी को कॉन्स्टेंट माना एस के साथ वो कर दिया डेरिवेटिव और अब की बार एस को बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट के रूप में तो डी बी का क्या डेरिवेटिव कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गई सेकंड और थर्ड। यदि कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध आर व विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ओम के नियम से। ठीक है, यदि
कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध आर, यदि कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध आर हो तथा विद्युत वाहक बल अप्सिलॉन हो तो चुंबकीय ओम के नियम से ओम के नियम से क्या होगा यदि कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध तो क्या है, कैपिटल आर है, और विद्युत वाहक बल क्या है, अप्सिलॉन। तो ओम के नियम से क्या होगा, तो विद्युत वाहक अप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर, चूंकि आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है डीक्यू अपॉन डीटी, मतलब विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है डीक्यू अपॉन डीटी। ये जो मान है ना आई का, ये आई का मान क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे अप्सिलॉन की वैल्यू, तो पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यू क्या है अप्सिलॉन बराबर आई आर, पुट दी इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब अप्सिलॉन किस घात क्या रख देंगे आई आर, आई आर दिया अप्सिलॉन आई आर माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो यहां से क्या निकलता है, देखो आई का मतलब तो क्या है डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी लिख देंगे, और आर क्या है इसके भाग में ले जाएंगे, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी आई का मतलब आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी माइनस एन अपॉन आर आ गया, डी फाइव बी अपॉन क्या है डी टी आ गया। यहां तक समझो, देखो यहां तक समझ में आ गया, तो डी क्यू से डी टी क्या है कैंसिल आउट हो गया, एंड डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी, ये आ गया। इस इक्वेशन का है क्या, दोनों तरफ तो क्या है समाकलन करने पर यानी इंटीग्रल करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है फाई वन से क्या है फाई टू को परिवर्तित किया जाता है, दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है फाई वन से क्या है फाई टू करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लिमिट फाइव वन से फाइव फाइव बी टू किया जाता है, यानी फाइव बाई फाइव बी टू किया जाता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या इंटीग्रल कर लेंगे, तो डी क्यू का इंटीग्रल करेंगे ना तो लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से क्यू। अब की बात क्या है, इसका ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो ये मान निकाल लेंगे, डी फाइव का इंटीग्रल करेंगे ना तो क्या लिमिट क्या होगी फाइव वन फाइव बाई टू एम डी फाइव बी, तो डी क्यू का इंटीग्रल करा ना तो कैपिटल क्यू आ गया लिमिट रखने पर, ये क्यू आ गया और माइनस एन अपॉन आर आ गया, और फाइव बी की वैल्यू पहले रखेंगे फाइव वन फिर फाइव बाई टू यानी फाइव वन माइनस फाइव बाई टू, ये इक्वेशन निकल के आगे हमारे पास एग्जाम में हमें ये इक्वेशन देता है और इसको सिद्ध करना पूछता है, मतलब इसको ट्राई करके बताओ ये वैल्यू किस प्रकार आए। फिर हम यहाँ से करेंगे वापस, हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई, ये इक्वेशन क्या है सिद्ध हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन क्या है, क्या स्पष्ट करना चाहती है, तो मतलब ये इक्वेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स में परिवर्तन पर क्या निर्भर करता है, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। यह इक्वेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि यह स्पष्ट करना चाहती है कि यह इक्वेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि प्रेरित विद्युत वाहक या प्रेरित धारा
या प्रेरित विद्युत वाहक पर फ्लक्स में परिवर्तन का निर्णय करता है, फ्लक्स में परिवर्तन का निर्णय करता है, निर्भर करता है न कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर। मतलब हमें एग्जाम में क्या पूछता है, हमें ये एग्जाम में फॉर्मूला मिलता है, ये मान लेंगे सिचुएशन का नाम, मतलब ये इक्वेशन दी जाती है, तो इसको क्या प्रूफ करना पड़ता है, यानी सिद्ध कीजिए कि प्रेरित धारा है प्रेरित आवेश, ठीक है, ये इक्वेशन सिद्ध करनी होती है हमें एग्जाम में। तो हमें क्या है, यहाँ से फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए ये इक्वेशन वापस क्या है लानी पड़ेगी, इससे क्या है यह सिद्ध हो जाएगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस इक्वेशन से प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत पर फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, न कि परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, फ्लक्स में परिवर्तन पर क्या है निर्भर करता है, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गई, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्थ।